हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा फीमेल्स से रिलेटेड है, जो हमारी महिलाएं हैं उनसे रिलेटेड है। अगर मैं बात करूं तो जो एक प्रॉब्लम फीमेल्स में बड़ी अनकॉमन सी थी कुछ टाइम पहले, लेकिन आज के टाइम में बहुत कॉमन होती जा रही है टीनेजर गर्ल्स में, जो एक 20, 21, 22 की लड़कियां हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, वो है अनवांटेड हेयर्स की, कि मुस्टैक्स, बियर्ड आनी शुरू हो जाती हैं, मोटे मोटे हेयर्स यहाँ आने शुरू हो जाते हैं, एंड बॉडी में भी पैरों पे और पीठ पे, चेस्ट पे काफ़ी हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से एक तो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट भी होता है। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या, क्यों होते हैं ये हेयर्स। उससे पहले हम एक फिनोमिनन, एक प्रोसेस को समझते हैं, क्या हमारी लाइफ में एक प्रोसेस होता है। जब भी हम 11-12 साल के होते हैं, जो कि हमारी एक एडोलसेंस एज स्टार्ट होती है, टीनेज हमारी स्टार्ट होती है, तब क्या होता है कि कुछ हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रीट होने शुरू होते हैं, जब हम सेकेंडरी ग्रोथ में एंटर कर रहे होते हैं। तो बॉयज़ के अंदर कुछ हॉर्मोन्स जो स्पेसिफिक सिक्रीट होते हैं, वो उनके अंदर एक बॉयश लुक लाते हैं, जैसे कि उनकी बियर्ड आना, आवाज़ थोड़ी भारी हो जाना। एंड गर्ल्स के अंदर जो एक गर्लिश उनका एक लुक होता है, लाइक कि उनकी एक सेकेंडरी ग्रोथ होती है, पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी आवाज़ थोड़ी पतली और थोड़ी मेलोडियस आवाज़ उनकी हो जाती है, तो ये सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो आजकल का एक माहौल है, सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जो हम खा रहे हैं, इतने सारे फर्टिलाइज़र्स और इतने सारे प्रिजर्वेटिव्स जो हमारे पास फूड, हम ये फास्ट फूड और ये सब खा रहे हैं, इनके थ्रू बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स जो हमारी बॉडी में जा रहे हैं, वो हमारे हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस कर देते हैं। तो जो एक गर्ल के अंदर स्पेसिफिक हॉर्मोन्स होते हैं और जो बॉयज़ के अंदर एक स्पेसिफिक हॉर्मोन्स होते हैं, गर्ल्स के अंदर उसका रेशियो गड़बड़ा जाता है। लाइक जो एक बॉयश हॉर्मोन है जो मेल्स में होता है एंड्रोजन हॉर्मोन, उसका सिक्रीशन गर्ल्स के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये हेयर ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। आई थिंक मैंने आपको जिस तरीके से अब एक्सप्लेन किया है, आप समझ गए होंगे कि ये ग्रोथ क्यों होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। और साथ में PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की जो प्रॉब्लम है, जिसमें कि गर्ल्स के पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती हैं, कि पीरियड लेट हो रहे हैं, कि प्रीपोन हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं उसकी वजह से भी ये जो हेयर्स की प्रॉब्लम है ये आनी शुरू हो जाती है। साथ में फ्रेंड्स, हेरिडिटी भी है, कि बहुत सारे लोगों की फैमिली में ही ये ट्रेंड चलते चले आ रहा है, वो भी एक इसका कारण हो सकता है। साथ में एक चीज़ और, हम आज के टाइम में अंधाधुंध दवाइयाँ खा रहे हैं। लाइक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, आजकल बहुत ट्रेंड में है कि फोकस नहीं है हमारा स्टूडेंट का पढ़ने में, तो वहाँ भी बहुत सारी मेडिसिन के जी, फोकस कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम मेडिसिन खा रहे हैं, हम फोकस बढ़ाने के लिए दवाई खा रहे हैं, हम नींद ना आने की दवाई खा रहे हैं, फिर हम नींद आने की भी दवाई खा रहे हैं। मतलब हमने अपनी लाइफ को लोडेड कर दिया है मेडिसिंस के साथ, उनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ जाते हैं। एंड फ्रेंड्स, आज ही के लाइफस्टाइल से रिलेटेड एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, कि हम इतने कॉस्मेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं, हम इतने सारे ट्रीटमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, जिनकी वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंसेस आते हैं। एंड कुछ चीज़ें जो कि हम इस वजह से वहाँ जाते हैं कराने के लिए उन ट्रीटमेंट्स को, कि शायद ये हमारी प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाएगी, लेकिन वो रेक्टिफाई होने की बजाय और एक तरीके से कहें तो और बढ़ जाती है प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को एड ऑन करें, चीज़ों को सिंपलीफाई करें, हर चीज़ के लिए हम किसी भी फैशन
में वाले सीन में ना चले जाएं कि हम इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं या ये यूज़ कर रहे हैं तो हमारी ये हेयर्स की प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो जाएगी। बल्कि मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कई बार तो वो प्रॉब्लम नहीं भी होती है, वो उन सब ट्रीटमेंट्स की वजह से आनी शुरू हो जाती हैं। दूसरी चीज़ कि हमें अपने फूड में बहुत सारी नेचुरल चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहिए जो कि हमारे आसपास के मार्केट में ही मिल रही हैं, मतलब हमारे 100-150 किलोमीटर के एरिया में ही वो कल्टीवेट भी हो रही हैं, वो यहीं पैदा हो रही हैं, है ना, उनकी खेती यहीं हो रही है, ताकि बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स ना हो उसमें, बहुत सारे फर्टिलाइज़र ना हो। ऐसी चीज़ें आप ढूंढिए, खाने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में, ताकि एक हार्मोनल इम्बैलेंस वाला सीन मिनिमाइज़ हो सके। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मिनिमाइज़ हो सके। फास्ट फूड, जंक फूड्स, इन सबको अपनी लाइफ से बहुत कुछ मॉडरेट कर दीजिए, कम कर दीजिए। एक और चीज़ फ्रेंड्स, आज के ज़माने में मैं गर्ल्स में भी ये चीज़ देख रही हूँ, स्मोकिंग और अल्कोहल बहुत कॉमन होती जा रही हैं, जिनकी वजह से भी बहुत सारे इम्बैलेंसेस हमारी बॉडी में आ रहे हैं। आप प्लीज़ उनकी तरफ भी ध्यान कीजिए। हम अभी चाह रहे थे कि हमारी इस जनरेशन में बॉयज़ के अंदर ये चीज़ें ना हों, लेकिन अब ये चीज़ें गर्ल्स में भी देखने को मिल रही हैं। तो आप उन सब चीज़ों पे भी ध्यान कीजिए, उन सब चीज़ों को भी कट डाउन कीजिए अपनी लाइफ से। साथ में मैं आपके साथ कुछ दो एक होम रेमेडी शेयर करना चाहूँगी जो कि हमारे फेस पे ग्रोथ हो जाती है हेयर्स की, जिनकी हेल्प से हम उन्हें हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ है कि हम शहद, जो हनी होता है, उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें। नींबू की 10-12 बूंद, 1 या 1.5 चम्मच हम शहद लें, उसमें नींबू की बूंदें डाल लें। उसके बाद जहाँ भी जो हमारा एरिया है जहाँ पर बाल आ गए हैं, हेयर ग्रोथ हो गई है, वहाँ पर हम उसको अप्लाई कर दें इवन। और अगर ज़्यादा कुछ बड़ी ग्रोथ है तो उसकी 1 या 2 लेयर्स अप्लाई कर दें और उसको 15 से 20 मिनट सूखने दें। एंड फिर उसके बाद उसको रब करके उतारें सॉफ्टली, लेकिन उसको थोड़ा स्क्रब कर दें, तो वो जो हेयर्स आ रहे हैं उनको, मतलब इसको आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो सम हाउ वो जो ग्रोथ है वो हट जाएगी वहाँ से। फ्रेंड्स, एक दूसरी होम रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी, हमारी किचन में ही मिलेगी। हम गेहूं का आटा जब छानते हैं तो उसमें ऊपर कुछ हस्क आ जाती है, जिसको कि हम चोकर भी कहते हैं। हम उस चोकर को निकाल के एक डब्बे में डाल के रख लें। अब हम 1 चम्मच उस हस्क को लें, चोकर को, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लें और थोड़ा सा रोज़ वाटर मिला लें और उसका एक पेस्ट बना लें। फ्रेंड्स, आप जब उसको टच करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें वो थोड़ी दरदरी होती है, जो वो चोकर होती है वो दरदरी होती है। उसको लें और उसको अप्लाई कर दें अफेक्टेड एरिया पे जहाँ हेयर्स हो रहे हैं, या पूरे फेस पे भी आप उसको कर सकते हैं। एंड जब वो ड्राई हो जाए तो उसको सर्कुलर मोशन करते हुए स्क्रब करके हटा दें एंड गुनगुने पानी से अपने फेस को धो लें। ये भी अगर हम रेगुलर यूज़ करेंगे तो जो हमारे फेस पे ग्रोथ हो रखी है उसमें हमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा, वो जो हेयर्स हैं वो हटने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये तो हमने कुछ डिस्कस किया होम रेमेडीज़, एंड आपको कुछ मैंने बताया कि हम अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाके कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, एक्यूप्रेशर का एक यूनिक ट्रीटमेंट मैं आपको बताने वाली हूँ, जिसकी हेल्प से ये जो स्पेशली हमारे बियर्ड, यहाँ पर मोटे मोटे हेयर्स मैंने देखा है बहुत लोगों के आ जाते हैं, एंड कई लोगों को तो यहाँ पर ही एक अच्छी सी ग्रोथ होती है और एक मुस्टैक वाली ग्रोथ भी हो जाती है, उसके लिए बहुत अच्छा एक ट्रीटमेंट बता रही हूँ विद दी हेल्प ऑफ मैग्नेट्स, ब्योल मैग्नेट की हेल्प से बता रही हूँ। ब्योल मैग्नेट के ट्रीटमेंट के लिए हमने आपको एक बेसिक एक्यूप्रेशर का किट अवेलेबल करा दिया है, जिसमें कि वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो भी हमें इन ट्रीटमेंट्स के लिए ज़रूरत पड़ेगी, जिनकी उसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाई है। वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे दे रही हूँ, आप उसको देख सकते हैं वीडियो को, ताकि आप उन चीज़ों का सिग्निफिकेंस समझ सकें। और अगर आप इनको ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप उसका हमें ऑर्डर भी कर सकते हैं, मैंने नीचे ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। तो आपको अब मैं बताती हूँ ये ब्योल मैग्नेट हैं क्या। ये मैग्नेट 2 कलर्स की होती हैं, एक तरफ ये येल्लो कलर होता है, छोटी छोटी सी मैग्नेट्स होती हैं,
एंड एक तरफ वाइट कलर होता है, राइट। हमें क्या करना है, दो पॉइंट लेफ्ट हैंड में लगाने हैं एंड दो पॉइंट राइट हैंड में लगाने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं ब्लैक कलर से आपको लगा के दिखाऊंगी पॉइंट और फिर उसके बाद मैग्नेट्स भी लगा के दिखाऊंगी। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जब हम वाइट कलर को स्किन से टच कराते हैं तो हम वहाँ की एनर्जी को घटा रहे होते हैं, और जब हम येलो कलर टच कराते हैं तो हम वहाँ की एनर्जी को बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हम जल्दी से उस ट्रीटमेंट को डिस्कस करते हैं कि हमें कैसे करना है। फ्रेंड्स, जो हमारा लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट होगा, मैं पहले आपको वो बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है हमारा K6। K6 हमें कहाँ मिलेगा, K6 पॉइंट हमें मिलेगा हमारी मिडिल फिंगर पर। मिडिल फिंगर पे जो ये सबसे ऊपर वाला एरिया होता है, ये हमारा यहाँ पर मिलेगा। अगर हम यहाँ पे तीन लाइन विजुलाइज करें, एक बिल्कुल सेंटर में, एक रिंग फिंगर की तरफ और एक इंडेक्स फिंगर की तरफ, राइट फ्रेंड्स। तो जो हमारी सेंटर वाली लाइन आ रही है ऊपर तक, उस सेंटर लाइन से जरा सा रिंग फिंगर की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप उसको ठीक से देख भी पा रहे हैं। ये हमारा पॉइंट है K6, बिल्कुल सेंटर से जरा सा हम रिंग फिंगर की तरफ इसको शिफ्ट करेंगे। इसको हम स्टिमुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोब। ये प्रोब भी हमने आपको किट में अवेलेबल कराई है। इससे हम 4 से 5 बार पॉइंट को स्टिमुलेट करेंगे एंड वहाँ पर हम मैग्नेट लगा देंगे। ये पॉइंट हमें एनर्जी कम करनी है फ्रेंड्स। ये सर्जिकल टेप है, ये भी किट में है। हमने क्या करना है, इस पर एक मैग्नेट लगानी है, ब्योल मैग्नेट, और क्योंकि हमें एनर्जी घटानी है, और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जब हमें एनर्जी घटानी होती है तो हम वाइट वाला पार्ट स्किन पर टच कराते हैं। तो हम वो जो हमने K6 पॉइंट लिखा था, वो जो हमने K6 पॉइंट बताया था आपको, उस पर हम इस तरह से इस पॉइंट को लगा देंगे। दूसरा पॉइंट है P6, वो आएगा हमारी इंडेक्स फिंगर पे, इंडेक्स फिंगर पे बीच वाले जॉइंट पे, जो बीच वाला फेलिंग्स है इस पे आएगा और बिल्कुल सेंटर वाली लाइन पे आएगा। ये है इसकी लोकेशन P6 की, मैंने ब्लैक कलर लगा दिया है। वही हम इसको प्रोब से 4 से 5 बार स्टिमुलेट करेंगे। 1, 2, 3, 4 प्रेस एंड रिलीज, डीप और हल्का प्रेशर देंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ भी हमें एनर्जी को घटाना है। अब आप समझ गए होंगे, एनर्जी को घटाना है मतलब वाइट मैग्नेट का जो वाइट पार्ट है वो हमारी स्किन पे टच करेगा इस तरह से। तो लेफ्ट हैंड में हमने दो ट्रीटमेंट लगा दिए हैं, K6 एंड P6, ठीक है ना फ्रेंड्स। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गए हैं। यहाँ फ्रेंड्स एक चीज़ और जानिए कि आपको ब्लैक कलर नहीं लगाना है, आपको मैग्नेट लगानी है सिर्फ। मैंने आपको ये बताने के लिए पॉइंट ब्लैक कलर लगाया है। अब जो दो पॉइंट हैं वो हमारे राइट हैंड में होंगे, ठीक है ना। राइट हैंड में कहाँ होंगे, पहला पॉइंट है हमारा LU7 और दूसरा पॉइंट है SP4। ये देखिए फ्रेंड्स, LU7 इंडेक्स फिंगर पे है और SP4 हमारा मिडिल फिंगर पे है। हम थंब की तरफ इंडेक्स फिंगर पे चलेंगे तो जो ये हमारा ये वाला जॉइंट है इससे थोड़ा सा नीचे, और एक लाइन साइड में अगर खींचें ऊपर तक, तो ये है हमारा LU7 पॉइंट। यहाँ की एनर्जी हमें बढ़ानी है, वही हम 4 से 5 बार प्रेशर देंगे उसको स्टिमुलेट करने के लिए एंड वहाँ पर येलो कलर हमारी स्किन पे टच होगा।
इस तरह से हम इस टेप को अप्लाई कर देंगे, ऊपर से हमें वाइट कलर दिखाई देगा। फ्रेंड्स अब हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, SP4। फ्रेंड्स अब आया हमारा SP4। हमने जब लेफ्ट हैंड में डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि वो सेंटर से टुवार्ड्स रिंग फिंगर होगा। अब जहाँ पर K6 है उसके बिल्कुल बराबर में ही SP4 है, बिल्कुल सेंटर में। K6 हमारा लेफ्ट हैंड में लगेगा और SP4 हमारा राइट हैंड में लगेगा। यहाँ पर हमें इसको टोन करना है, मतलब एनर्जी को बढ़ाना है, तो येलो कलर हमारी स्किन पे टच होगा। हमें ये जो मैंने पॉइंट बताया है यहीं पर इसको प्रोब की हेल्प से स्टिमुलेट करना है। प्रोब आपको किट में प्रोवाइड कराई जाएगी एंड टेप पे हम जो मैग्नेट लगाएंगे इस तरह से लगाएंगे येलो कलर एंड उसको हम यहाँ पर सेंटर में बिल्कुल लगा देंगे। इस तरह से, क्योंकि हमने येलो स्किन पे टच कराया तो ऊपर से हमें वाइट दिखाई देगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब ये ट्रीटमेंट हमारा बाइलेटरल नहीं है, मतलब दोनों हाथों में नहीं लगेगा। लेफ्ट हैंड में मैं इसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ट्रीटमेंट को लिख दूंगी ताकि आपके लिए कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप देख के लगा सकें। दो पॉइंट हमारे लेफ्ट हैंड में लगेंगे, दो पॉइंट राइट हैंड में लगेंगे। एंड फ्रेंड्स वही, हमें ब्लैक कलर नहीं लगाना है, हमें सिर्फ मैग्नेट्स को लगाना है। और इसको फ्रेंड्स आप 3-6 महीना कंटिन्यूसली लगाते रहिए, क्योंकि इसमें हमारा कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, कहीं हमें जाना नहीं है इसको लगाने के लिए, हम खुद से इसको लगा सकते हैं। और रात को आप इसे लगाइए 6-8 घंटे के लिए, पूरी रात लगाए रखिए, सुबह आप इसको उतार सकते हैं। और ये जो मैग्नेट्स हैं आप इसको काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपनी फ्रेंड्स के साथ भी आप इसको डिस्कस कीजिए, जिनको भी आप जान रहे हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, आप प्लीज़ उन सब के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।